अगर मौका मिले तो नहीं मौका मिलते तो ठीक छे आ नहीं मिलते तब पर भी जे बदहाल स्थिति छे ओकरा खिलाफ लड़े के संकल्प लेके चुनाव मैदान में अइलिए। प्रतिनिधि रहे तो उनसे सवाल कीजिए, आपकी उपलब्धि क्षेत्र में क्या है, आपने क्या किया है, कितने लोगों के लिए आपने काम किया है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, कृषि के लिए, गरीब वंचितों के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, सरकारी स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए क्या किया। नौजवान नहीं आवाज़ उठेते तो फिर कल का जो छात्र हमार पिछला पीढ़ी अत हमार भाई बाल बच्चा और सब जो अत तो ओकरा तो ऐसा बेसी बदहाल स्थिति में जीवन जिये प्रचार आज पंचायत से वार्ड से लेकर के प्रखंड तक हर जगह जड़ जमा चुका है, उसके खिलाफ हम लोगों ने मुखर होकर के लड़ाई लड़ा है और यही हमारा मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं kusitimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोसी टाइम्स की चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं पिपरा विधानसभा। सुपौल जिला का यह पिपरा विधानसभा है, यहां से कई दिग्गज नेता अपने भाग आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में छात्र नेता रह चुके गौतम आनंद भी अपने भाग आजमा रहे हैं। किस तरह से चुनावी कैंपेन चल रहा? सर्वप्रथम कोसी टाइम्स के आप तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चुनावी चर्चा के दौरान हर क्षेत्र में जा कर के सही सवालों से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। रही बात चुनाव की तो हम छात्र नौजवानों के लिए हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है पूरे बिहार में, पटना में, पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय से। जो शिक्षा का हालात है पूरे बिहार में, जो बदहाली है विश्वविद्यालय और कॉलेज की, इसको लेकर के सरकारी शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है और ख़ास करके कोसी सीमांचल में जो पलायन का सवाल है या फिर जो भ्रष्टाचार आज पंचायत से वार्ड से लेकर के प्रखंड तक हर जगह जड़ जमा चुका है, उसके खिलाफ हम लोगों ने मुखर होकर के लड़ाई लड़ा है और यही हमारा मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में। और ख़ास करके जो धन बल वाले प्रत्याशी है, जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और जिससे लोग नाखुश हैं, जो करोड़ रुपया लगा करके 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के जनप्रतिनिधि बनते हैं, हम लोगों को बताते हैं जो वैसे जनप्रतिनिधि आपके लिए नहीं बनते हैं, वो खुद के लिए बनते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन के तौर पे अगर हम 10 करोड़ लगा के विधायक बनते हैं तो निश्चित ही हम पहले 20 करोड़ निकालने का प्रयास करेंगे, आप रहे कोई भी रहे। और हम छात्र नौजवान हैं, हमारे पास संसाधन उतनी नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए जो संघर्ष किया है, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, जो वंचित अधिकारों के लिए जो हमने लड़ा है, उसी आधार पे हम चुनावी मैदान में हैं और मजबूती से हैं। लोगों के पास पार्टी का सिंबल है, पैसा है, स्टेटस है, लेकिन हमारे पास छात्र नौजवानों का हुजूम है और संघर्ष है, उसी के बदौलत हम चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। लगातार आप छात्र संघर्ष की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अचानक विधानसभा चुनाव में आप अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत किए हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं वहां पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं और ऐसे में आप किस मुद्दे को लेकर के क्षेत्र की जनता के पास जा रहे हैं ताकि वो आपके पक्ष में वोट? हमारा मुद्दा सीधा है, जो 10 करोड़ लगा करके कोई विधायक बन रहा है वो आपके लिए सही है या 2-4 लाख खर्च करके बनने वाला आपके लिए सही रहेगा, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जब इतने दिन जनप्रतिनिधि रहे तो उनसे सवाल कीजिए, आपकी उपलब्धि क्षेत्र में क्या है, आपने क्या किया है, कितने लोगों के लिए आपने काम किया है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, कृषि के लिए, गरीब वंचितों के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, सरकारी स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए क्या किया। कोरोना जैसे महामारी में ऐसे जनप्रतिनिधि गायब रहते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो मोटा रकम लगा करके टिकट लेते हैं या फिर जातीय आधार पे या फिर जो पिछला स्टेटस सिंबल है जनप्रतिनिधि होने का फायदा उठाते हैं। और जब पुराने लोग ही हमेशा रहेंगे और इनको जो छात्र नौजवानों के हित सम्मान से, गरीबों के सम्मान से कोई मतलब नहीं रहा है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं चुने, हम लोगों से अपील करते हैं। बाकी जो अच्छा लगे आप चुनिए, लेकिन धन बल और पार्टी के आधार पे जो आते हैं, पैसे के आधार पे, उससे छुटकारा चाहिए लोगों को। छात्र नौजवान अगर आते हैं तो दिन रात हमेशा जहां भी अगर आप खोजते हैं तो वहां आपके लिए हम खरा मिलेंगे, यही हम लोगों के बीच जाके कहते हैं। तो ये तो हो गई कि जो लोगों से आप बातचीत करते हैं, लेकिन अगर क्षेत्र की विकास की बात करें तो आप क्या मुद्दा लगता है आपको विकास किस चीज़ के लिए कीजिए? देखिए, अभी भी जो
ग्रामीण इलाके हैं वहाँ अभी भी जब घूमते हैं तो 20 वर्ष पुराना सोलिंग है। कई जगह पानी जो बाढ़ की स्थिति है, पिपरा में कुछ इलाका है जहाँ अभी भी बाढ़ बहुत प्रभावित करता है। कोसी का इलाका पिपरा में आता है किशनपुर पंचायत में। तो कोसी के अस्थाई समाधान के लिए आज तक इतने नेता हुए कोसी में, लेकिन कोई प्रयास किया या नहीं किया इसका कोई फल नहीं दिख रहा है। और ख़ास करके किसानों की जो बात है, इस देश का अन्नदाता किसान, चाहे हमारे घर का किसान हो चाहे किसी भी घर का किसान हो, किसान को आज तक किसी ने भी सम्मान के दृष्टि से और ख़ास करके गांव के गरीबों को किसी भी जनप्रतिनिधि ने सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा है। किसान आज भी फटेहाल स्थिति में है, बदहाल स्थिति में है। वो किसी न किसी तरीके से सिर्फ अन्न उपजाते हैं और जीते हैं सिर्फ। और दूसरी बात है, गरीब आज जब हम चुनाव प्रचार में गांव-गांव जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं या कैंडिडेट हैं, वो गांव-गांव नहीं जाते हैं। वो हर गांव में, हर पंचायत में अपना ठेकेदार टाइप के लोगों को फैलाए हुए हैं, जो जात धर्म या पार्टी के आधार पर या पैसे के आधार पर वो वोट को पोलराइज करते हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो सीधे जनप्रतिनिधि के प्रति इतना गुस्सा है, गाली सुनने को मिलता है नेता के नाम पर, जो कोई कुछ नहीं दे छे, आवे छे सिर्फ वोट ले छे फिर भाग जाए छे। सब अमीरे का मिले छे, घर ओकरे मिले छे, हमरा घर नहीं छे रहे ला, हमरा खाए ले नहीं छे, कुछ कोई नहीं देखे छे, खाली वोट के टाइम आवे छे तब आवे छे। ये उन लोगों का कहना है। हमरा ई बताबू, अहां जे कहलिए कि लोग कह रहल छे कि सब वोट के समय में ही आवे छे, अगर मान लिया कि पिपरा विधानसभा के जनता अहां का आशीर्वाद दलके, अहां का समर्थन दलके, तो अहूँ नहीं भागबे, एकर की आश्वासन? जब इस बात पे आते हैं, एहन बात पर जब आवे छे तो निश्चित ही जब हमरा इच्छा भले जे हम लोग के सेवा करबे, और 7 साल 10 साल से हम छात्र यूथ के लिए लड़ाई लड़ रहल छे, तो ओमे हमरा एहन नहीं छे जे बहुत फायदा आए छे तबे हम लड़े छे। फायदा अगर सोचनाय रहतिए तो हमहूँ जॉब उब में चल जतिए, बढ़िया से हमहूँ पढ़े रहिए, नौकरी उकरी लै के चल जेनाय रहतिए। लेकिन हमरा छे जे स्थिति जे आज 70-72 साल के बाद भी एते बद से बदतर छे, ई सुधरतै केना? अगर आइ हमे नहि आवाज उठेबै, अजका छात्र नौजवान नहि आवाज उठेतै, तऽ फेर कल्हुका जे छात्र हमर पिछला पीढ़ी अयतै, हमर भाय बाल बच्चा आओर सब जे अयतै, तऽ ओकरा तऽ एहिसँ बेसी बदहाल स्थितिमे जीवन जिए पड़तै, एहिसँ बदहाल शिक्षा व्यवस्था ओकरा मिलतै। आओर जे तरहसँ शिक्षा व्यवस्था पर निजीकरण हावी भए रहल छै, स्वास्थ्य व्यवस्था पर निजीकरण हावी भए रहल छै, आओर लोकके जेबीमे पैसा नहि छै, तऽ ओ तऽ या तऽ बीमारीसँ मरतै या अशिक्षासँ मरतै, या नहि तऽ बेरोजगारके फौज खड़ा हेतै तऽ फेर गोली बंदूकसँ अपराधीके फौज खड़ा हेतै, मरनाइ छै ही। तऽ इएह सब सोचि कऽ हम एहिमे एलियै यऽ, जे अगर मौका मिले नहि मिले ओ अलग मैटर छै, ओकर मौका मिले तो नहि, मौका मिलतै तो ठीक छै, आ नहि मिलतै तब पर भी जे बदहाल स्थिति छै ओकरा खिलाफ लड़ैके संकल्प लए कऽ चुनाव मैदानमे एलियै यऽ। तो लगातार हमसे अभी बातचीत कर रहे थे पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो पिपरा विधानसभा के लिए, नहीं भी मौका मिलता है तो लगातार संघर्ष करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि गौतम आनंद छात्र जीवन में और छात्र राजनीतिक जीवन में ये लगातार छात्र और नौजवानों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना इसमें अब इस चुनाव में सफल हो पाते हैं। आप देख रहे थे kositimes.com। रविकांत को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।